कश्मीर के गुलमर्ग में तैनात देहरादून निवासी सेना में हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी बर्फ़ में फिसलकर पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए हैं। यह खबर आने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हर पल अनहोनी की आशंका से आंसू थम नहीं रहे हैं। सेना का कहना है कि हवलदार की तलाश की जा रही है, जबकि परिवार चाहता है कि सरकार विंग कमांडर अभिनंदन की तरह उनके बेटे को भी अपने वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए। दरअसल 8 जनवरी को अचानक राजेंद्र की यूनिट से उनकी पत्नी राजेश्वरी को फोन आया। फोन सुनकर उनके होश उड़ गए। बताया गया कि हवलदार राजेंद्र सिंह मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से चमोली के इस सैनिक परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब परिवार हर पल राजेंद्र के लौटने का इंतजार कर रहा है। फोन बजने पर हर घंटी राजेंद्र की खुशखबरी का एहसास तो कराती है, लेकिन मन में किसी अनहोनी की आशंका का भय भी बना हुआ है। हवलदार राजेंद्र सिंह के भाई कुंदन का कहना है कि वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार विंग कमांडर अभिनंदन की तरह उनके भाई को बचाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए, जिसके लिए सिर्फ बिपिन रावत ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।